कुमुट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए खरगोन जिले के कसरावद में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन कृषि मंत्री सचिन यादव ने किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार भी किए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया और साथ ही उन्होंने किसानों पर हुए गोलीकांड का जिक्र करते हुए बताया, भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार रही है, इसलिए उन्हें किसान ऋण माफी योजना रास नहीं आ रही। कसरावद से आकिल खान की रिपोर्ट। कांग्रेस जो है वही काम करने जा रही है। अभी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम गरीबी पे एक बहुत बड़ा प्रहार जो है, गरीबी को खत्म करने के लिए एक आखिरी जो है प्रयास हमारा होने वाला है, जहां पर 72,000 रुपए हम हमारे वो जो तमाम गरीब परिवार हैं, जहां पर हमारी महिला मुखिया हैं, उन महिला मुखियाओं के खाते में डालने का काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि आज पूरा देश एक आशा और उम्मीद की निगाहों से जो है आदरणीय राहुल गांधी जी की तरफ और कांग्रेस की सरकार की तरफ देख रहा है, और पूर्ण विश्वास है कि अगली जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है।